नमस्कार साथियों, न्यूज क्लिक में हम आपका स्वागत करते हैं। सेना में भर्ती के लिए पेश की गई अग्निपथ योजना को लेकर के देश भर में युवाओं का विरोध प्रदर्शन ऐसा चल रहा है जैसे इस योजना ने उनके सपनों पर आग लगा दी हो, और भयंकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। अग्निपथ योजना के तहत 4 साल के लिए सेना में शामिल किया जाएगा, 17.5 साल से लेकर 21 साल के बीच के युवाओं को शामिल किया जाएगा। सैलरी 30 से 40 हजार के बीच की होगी, और जब वो 4 साल के बाद सेना को छोड़ेंगे तो उन्हें एक मुश्त 11 से 12 लाख रुपए दिया जाएगा। तो इस पर क्या बवाल मचा है, इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए आज हमारे साथ हैं डिफेंस मामलों के जानकार सुशांत सिंह। इनके बारे में मैं आपको बता दूं, यह पहले आर्मी में रह चुके हैं, उसके बाद देश की प्रतिष्ठित अंग्रेजी पत्रिका इंडियन एक्सप्रेस में डिप्टी एडिटर रह चुके हैं, और इस समय सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में डिफेंस पर रिसर्च कर रहे हैं। तो सर, आपसे पहला सवाल यही होगा कि जिस तरह का विरोध प्रदर्शन हो रहा है, युवा कह रहे हैं कि हमने पूरी जिंदगी हम हार तोड़ मेहनत करते हैं और उसके लिए केवल 4 साल की नौकरी और पेंशन भी नहीं, तो इस विरोध प्रदर्शन की जो प्रकृति है वो यह बताती है कि सरकार ने इस पे सोचा नहीं। तो आपको क्या लगता है इस पे? देखिए, दो बातें हैं। जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है युवाओं के द्वारा, वो एक बात तो ये साफ दर्शाता है कि जो उनकी भावनाएं हैं और जो उनकी भविष्य के बारे में अपने एस्पिरेशंस हैं उनको पूरा करने के लिए, उनको पूरा करने में ये सरकार पूरी तरह से सक्षम नहीं है, और उसको पूरा करने के लिए जो करना चाहिए वो नहीं कर रही है, क्योंकि उनको अपने भविष्य की चिंता है, उनको अपने जीवन की चिंता है, उनको लगता है कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसीलिए वो लोग सड़क पर उतरे हुए हैं, इसीलिए इस तरह की आगजनी और इस तरह की हिंसा की घटनाएं वारदातें हो रही हैं। दूसरी बात जो ये साफ तरह से दर्शाता है, जैसा कि आपने कहा कि सरकार ने ये फैसला जिन लोगों से बातचीत करके लिया जाना चाहिए था उन लोगों से बातचीत करके के बिल्कुल नहीं लिया है। जैसा कि आपको पता है कि भारत के करीब 160 से 170 डिस्ट्रिक्ट्स जिलों में से भारत की 70% सेना आती है। भारत में करीब 750 से ऊपर जिले हैं, उसमें से 170 जिलों से करीब 70% सेना आती है। तो आपको पता है कि वहाँ का जो यूथ है, वहाँ का जो युवा है, वो सेना में भर्ती को बहुत ही अपने एक जीवन के मिशन की तरह तौर पे देखता है, और जब वो उस मिशन को पूरा करने में अपने आप को असमर्थ पाता है क्योंकि आपने एकदम नया नियम ला दिया, नई स्कीम ला दी, तो उसका गुस्सा होना और उस गुस्से का सड़क पर इजहार होना लाजमी है। अब हम आगे चलते हैं, इसकी बुनियादी कमियों से शुरुआत करते हैं। तो पहले इसकी बुनियादी कमी जो बताई जा रही है और उससे सवाल निकलता है कि क्या 4 साल के अंतर्गत, केवल 4 साल में कोई सेना के लिए तैयार हो जाता है? देखिए, इसमें कई तरीके से इस चीज को देखा जा सकता है। हमको इसको भारतीय सेना के परिप्रेक्ष्य में रखकर देखना चाहिए। कई लोग इस पर इस तरह के उदाहरण देते हैं कि देखिए इसराइल की सेना है या रूस की सेना है या अमेरिका की सेना है, वहां पर भी तो लोग छोटे वक्त के लिए आते हैं। तो देखिए, कुछ जगह इसराइल वगैरह के अंदर तो पॉपुलेशन बहुत ही छोटी है, वहां तो लोग हैं ही नहीं, और उनकी नेशनल सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं, तो इसलिए उनको वहां पर मैंडेटरीली आपको सर्व करना पड़ता है और छोटे पीरियड के लिए आप आते हैं करके चले जाते हैं। भारत में तो ऐसा कदापि नहीं है। भारत में तो हमारे पास युवाओं की कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ हर नौकरी के लिए 20-25 हजार लोग आवेदन देते हैं, यहाँ तक कि छोटी से छोटी नौकरी के लिए PhD किए हुए लोग भी आवेदन देते हैं। तो यहाँ तो इस तरह की कमी नहीं है कि हमारे पास सेना में जाकर नौकरी करने के लिए लोग कम पड़ रहे हैं तो इसलिए हमको लोगों को छोटे वक्त के लिए लाना है। यहाँ तो लोग आना चाहते हैं और पूरी तरह से नौकरी करना चाहते हैं, तो इसलिए ये जो कंपैरिजन है, जो मुकाबला है बाकी देशों के साथ, वो भारत पर लागू नहीं होता है। दूसरी समझने वाली बात यह है कि जो भारत की सेना है वो एक तरह से विकसित हुई है, एक तरह से डेवलप हुई है, और जिस तरह से वो सेना डेवलप हुई है उसके अंदर जब आप कुछ देर तक नौकरी करते हैं और लोगों के साथ रहते हैं तब आप उसको ढंग से समझ पाते हैं कि किस तरह से आपको कार्रवाई करनी है, किस तरह से आपको डील करना है, किस तरह से आपको काम करना है। ये सिर्फ एक स्किल की बात नहीं है कि आपने हथियार चलाना सीख लिया और आपको गोली चलानी आ गई तो आप सैनिक बन गए। आप लोगों के साथ कैसे जाते हैं, आपको कैसे टुकड़ी के साथ काम करना है, एक ऑपरेटिंग कल्चर होता है, एक एनवायरमेंट के अंदर नॉर्म्स होते हैं, वो सीखते सीखते कुछ आपको समय लगता है, कुछ वक्त लगता है। वो वक्त शायद सब लोगों का कहना है, जानकारों का कहना है कि 4 साल, जिसमें कि ट्रेनिंग पीरियड भी शामिल है, वो उसके लिए बहुत छोटा वक्त है। दूसरी बात यह है कि भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के अंदर जो जवान भर्ती होते हैं उन जवानों का काम बहुत ही टेक्निकल किस्म का होता है, क्योंकि वो हवाई जहाज को और जो पानी के जहाज हैं उनको ऑपरेशनल, उनको सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं।
वो काम इस तरह का नहीं है कि आप 6 महीने के अंदर दौड़ भाग कर ट्रेनिंग के अंदर सीख सकते हैं। उसके लिए आपको स्किल चाहिए, उसके लिए आपको ट्रेनिंग चाहिए और उसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए। और ये एक्सपीरियंस, ये ट्रेनिंग, ये स्किल आने में वक्त लगता है। आप किसी व्यक्ति को अगर 2 साल की ट्रेनिंग देंगे तो उसको आप 2 साल के बाद ये तो नहीं कहेंगे अब जाइए छोड़ दीजिए। अगर आपने किसी को 2 साल की ट्रेनिंग दी है तो आप चाहेंगे कि वो आपको, आपके साथ नौकरी करे और आपके जो उसने सीखा है उसको वो यूज करे। दूसरे समझने वाली बात यह है कि जो आदमी हथियारों को सुचारू रूप से चलाने को सीख रहा है, मान लीजिए नौसेना के अंदर या वायुसेना के अंदर या थल सेना के अंदर, उस व्यक्ति को सिविल स्ट्रीम में उसका तो कोई पैरेलल नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि ये रेडियो चला या टेलीफोन चलाने वाली बात है कि आपने सेना में टेलीफोन नहीं चलाया तो आपने एयरटेल के लिए आके चला लिया या आपने रिलायंस के लिए, जियो के लिए आके चला लिया। हथियार तो सिर्फ जो बड़े बड़े हथियार हैं वो तो सिर्फ भारतीय सेना के पास ही। तो क्यों आप इन व्यक्तियों को, जिनको कि आप ये स्किल दे रहे हैं या ये एक्सपीरियंस दे रहे हैं, ये ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप क्यों चाहते हैं कि वो व्यक्ति ना पूरी तौर लंबे दौर तक नौकरी करे? और ये शायद इसमें आपका ये बात बिल्कुल सही है कि 4 साल का जो पीरियड है ऐसा प्रतीत होता है, जो लोग इस बात को समझते हैं कि ये पीरियड बहुत छोटा पीरियड है, बहुत छोटा वक्त का वक्त है सोल्जरिंग करने के लिए इतने बड़े लोगों के लिए कि 75% लोगों को हम निकाल देंगे 4 साल के बाद, ये ठीक नहीं लगता है। दूसरी तीसरी बात यह है कि जो जो 4 साल का पीरियड है, ऐसा कई लोगों का मानना है, मेजर नवदीप सिंह के जो बहुत बड़े लॉयर हैं उन्होंने भाई की किताबें लिखी हैं इस पे, उनका कहना है कि ये 4 साल का पीरियड इसलिए दिया गया कि अगर व्यक्ति कोई व्यक्ति 5 साल तक नौकरी करता तो उसको सरकार को ग्रेचुटी देनी पड़ती। सरकार नहीं चाहती है कि वो व्यक्तियों को ग्रेचुटी दे, इसलिए उनको वो सिर्फ 4 साल तक रख रही है। अगली बात यह है कि 4 साल आपने तो सैनिक की नौकरी की है, आप तो ये कह रहे हैं ये व्यक्ति सैनिक है, उसके बाद आप ये क्यों कह रहे हैं कि जो 25% लोग लिए जाएंगे उनके लिए ये 4 साल काउंट ही नहीं होगा, ना उनकी पेंशन के लिए, ना उनकी सर्विस के लिए, ना उनकी सैलरी के लिए। ये तो ज्यादती है। अगर आपने 4 साल सैनिक की नौकरी की है उसके बाद आप 5वें साल सैनिक की नौकरी कर रहे हैं तो आपको वो 4 साल की नौकरी का फायदा तो मिलना चाहिए, अदरवाइज आपकी पेंशनेबल सर्विस उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। मतलब आप 4 साल के बाद 17 साल और 21 साल पे मिलेगी जो आपको अदरवाइज 17 साल पे मिल जाती, या आपके। तो ये जो कई इस तरह की विकृतियां और कई इस तरह की जो इसके अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस डाले गए हैं वो बताते हैं हमको कि ये प्लान का एक ही कारण है कि सरकार सिर्फ पैसे बचाना चाहती। सरकार की जो माली हालत है वो बहुत खराब है, जब से नोटबंदी हुई है उसके बाद से सरकार की माली हालत कभी सुधरी नहीं है, और उस खराब माली हालत में सरकार ने अब अंतिम कदम ये उठाया है कि भारतीय सेना, थल सेना, नौसेना, वायुसेना, जो कि भारत को सुरक्षित रखना रखने के लिए बहुत जरूरी हैं, अब उनके पैसे काटने पर सरकार उतारू हो गई है। आपने बहुत गहरे तरीके से ये बताया कि किस तरह से 4 साल की अवधि बहुत छोटी है, एक लंबा समय चाहिए होता है, और पूरा विस्तार से बताया। तो इसमें एक सवाल उठता है कि क्या जो डिफेंस के जानकार हैं या जो डिफेंस के अधिकारी हैं उनके साथ सरकार ने सलाह मशवरा किया कि नहीं? अगर उनके साथ किया होता तो यह तो सवाल ही नहीं उठता। आपको क्या लगता है? देखिए, इस पे पूरी तरह से तो जानकारी नहीं है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने तो 18 महीने या 2 साल तक सलाह मशवरा करने की कोशिश की है और बात की है। जहां तक मुझे पता है, और इस पर जनरल बिपिन रावत जो कि अब हमारे बीच नहीं है, वो तो ऑन रिकॉर्ड हैं इसके ऊपर, कहे उन्होंने कहा 2020 में कि मैं किसी बंदे को क्यों ट्रेन करूंगा, किसी युवा को, और उसको बोलूंगा कि 4 साल बाद आप जा चले जाइए, कि ये ऐसा क्यों करूंगा और उस 4 साल में उसका एक्सपीरियंस क्या होगा। मैं तो नहीं चाहता कि इस तरह की कोई भी स्कीम आए भारतीय सेना में। तो वो क्लियरली जनरल रावत का स्टेटमेंट ऑन द रिकॉर्ड स्टेटमेंट के अलावा, जब मैंने लोगों से बात की है तो खास तौर पे थल सेना के अंदर इसके लिए काफी नेगेटिव व्यूज थे, काफी इस तरह के विचार थे कि ये ठीक नहीं है और इस तरह का प्रोग्राम नहीं आना चाहिए। जहां तक मुझे मालूम है, तीनों सेनाओं ने एक प्रपोजल दिया था कि क्या इस तरह की स्कीम को सिर्फ 5,000 लोगों के लिए 5 साल तक लागू किया जाए एज अ ट्रायल, एज अ टेस्ट बेड, और उसके बाद उसके हिसाब से जो भी चीजें, जो भी लेसन्स मिलते हैं, जो भी जानकारी मिलती है, जो भी एक्सपीरियंस मिलता है, उसको फिर यूज किया जाए अब पूरी तरह से लाने के लिए, या इसको अमेंड करने के लिए, या इसको बदलने के लिए। सरकार ने उस प्रपोजल को नकार दिया और ये पूरी तरह से एक ही बार में एक पूरा नया प्लान लाके दे दिया है। अब थोड़ा पैसे का खेल समझते हैं। कहा जाता है कि पेंशन पर बहुत अधिक खर्चा होता है और इस पेंशन के खर्चे को बचाने के लिए छोटी सर्विस दी जा रही है,
और जब छोटी सर्विस दी जाएगी कम खर्चा होगा तो टेक्नोलॉजी पर ज्यादा खर्च किया जाएगा। तो इस पूरे बहस को आप किस तरह से देखते हैं? ये बात सच है कि भारतीय सेना का जो पेंशन पे खर्चा है वो बहुत बड़ा है। भारतीय सेनाओं तीनों सेनाओं, मैं तीनों सेनाओं की बात कर रहा हूँ जब मैं भारतीय सेना बोलता हूँ, तो ना कि सिर्फ थलसेना की, तीनों सेनाओं का पेंशन और सैलरीज का बिल भारत की जो रक्षा पे खर्च है उसका तकरीबन आधे से थोड़ा ज़्यादा ही है, और ये किसी भी तौर पर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है। पेंशन की जो बिल में बढ़ोतरी हुई है और उसकी शुरुआत मोदी जी के 2013 की रेवाड़ी की रैली से होती है, जहां पर उन्होंने बैठकर कहा कि हम जो 25-26 लाख हमारे डिफेंस पेंशनर्स हैं उनको वन रैंक वन पेंशन की स्कीम देंगे, और 2015 में किसी थोड़ी सी बदल के पर वन रैंक वन पेंशन की एक तरह से स्कीम लाई गई। उस स्कीम के बाद और सातवीं पे कमीशन की रिपोर्ट के बाद भारत की सेना के पेंशन और सैलरीज के बिल में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। पर जो ये बढ़ोतरी हुई है उसके उसके साथ साथ भारत की इकोनॉमी की हालत भी खराब हुई है। देखिए, समझने वाली बात यह है, मैं एक स्टेप पीछे जाता हूँ इसमें। भारत की कुछ सामरिक रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सामरिक रिक्वायरमेंट्स चीन और पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई, और चीन के साथ इस वक्त एक्टिव बॉर्डर होना, पाकिस्तान के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल होना, भारतीय सेनाएं इसके अलावा इंडियन ओशन रीजन के अंदर भी काफ़ी तौर पर चालू रहती हैं, जहां पर के बाकी नौसेनाओं के साथ हमारी नौसेना काम करती है। उसके अलावा भारतीय वायुसेना ने जैसे बालाकोट में कुछ करने की कोशिश की या इस तरह की और कार्रवाइयाँ करने की कोशिश करती है। इसी तरह हमारी कश्मीर के अंदर और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के अंदर भी हमारी सेनाओं के कमिटमेंट हैं। इन कमिटमेंट्स को देखते हुए और हमारे जो अपने बारे में महान शक्ति बनने के जो हमारे विचार हैं, उसके लिए आपको एक तरह की सेना की जरूरत है, जिसमें कि जैसे कि एयरफोर्स कहती है कि हमको 42 स्क्वाड्रन चाहिए फाइटर जेट के, और जिस तरह से नेवी कहती है कि नौसेना कहती है कि हमको 200 जहाज चाहिए नेवी के। अब 42 की जगह आपके पास सिर्फ 30 है, 200 की जगह आपके पास सिर्फ 130 जहाज है नौसेना के अंदर। इसी तरह सेना के अंदर 12.5 लाख की जगह 11 लाख लोग हैं, या 11 लाख से भी कम लोग हैं। तो समझने वाली बात यह है कि भारत की जो इकोनॉमी है और भारत की जो एम्बिशन है उसमें मिसमैच है। आपको उन एम्बिशंस को पूरा करने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत है, वो पैसे चाहे पेंशन के लिए जाएं, चाहे वो सैलरीज के लिए जाएं, चाहे वो मॉडर्नाइजेशन के लिए जाएं, चाहे वो नए हथियार खरीदने के लिए जाएं, हवाई जहाज खरीदने के लिए जाएं, एयरक्राफ्ट कैरियर खरीदने के लिए जाएं, पर आपको उसके लिए पैसे चाहिए। आपकी इकॉनमी पिछले 8 साल के अंदर इस बुरी तरह से बर्बाद हुई है, इतनी कम हुई है कि वो इकॉनमी उस खर्चे को बर्दाश्त करने की काबिलियत नहीं रखती है। 15 साल की नौकरी के बाद सेना में जो सैनिक है जब निकलते हैं उनके लिए तो पेंशन बहुत जरूरी हो जाती है, तो वो जो पेंशन उनको मिलती है तो उसको केवल इस तर्क पे देखना कि पैसा बहुत अधिक खर्च होता है, आपको ये नहीं लगता कि हम सेना को, मतलब कि ये जो तर्क है वो बहुत गलत तर्क होता है सेना के लिहाज से? ये बिल्कुल, मैं तो इससे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि ये कहना कि पेंशन कोई किसी तरह की खैरात है या किसी तरह की फेवर दिया जा रहा है कोई सैनिक को, ये गलत है। सैनिक की जो जिंदगी है, जो प्रोफेशन है, वो प्रोफेशन ऑफ ऑनर है। भाई देखिए, शार्प शूटर में जो कि आजमगढ़ से निकलते थे पहले और बाकी जगह से निकलते हैं, जो गोली चलाते हैं, और सैनिक में कोई तो फर्क होता है ना। वो फर्क क्या है? वो फर्क यही है कि आप एक ऊंचे मकसद के लिए, एक हायर वैल्यू के लिए काम कर रहे हैं। इट्स अ प्रोफेशन ऑफ डिग्निटी, इट्स अ प्रोफेशन ऑफ ऑनर। आप काम कर रहे हैं इज्जत के लिए, आप काम कर रहे हैं डिग्निटी के लिए। अगर आपका जो व्यक्ति कल तक यूनिफॉर्म पहन के सेना में नौकरी कर रहा था, वो सेना छोड़ने के बाद सड़क पर आपको सब्जी बेचता हुआ दिखे, या ATM के बाहर गार्ड ड्यूटी देखता हुआ दिखे, या कुछ और इस तरह का काम करता हुआ दिखे जिसकी के समाज में उतनी इज्जत नहीं है, तो उसका सीधा असर सैनिक की अपनी खुद की जो अपने बारे में जो इमेज है, अपने बारे में जो बिलीफ है कि मैं एक बहुत ऊंचा काम कर रहा हूँ, बहुत महान काम कर रहा हूँ, वो इज्जत कम होगी, वो जो अपने बारे में विचार हैं वो कम होंगे, और उनका रिफ्लेक्शन ये होगा कि जो एक सैनिक की जो ऑरा है और जो बिलीफ है कि वो अच्छा काम कर रहा है, वो कम होती जाएगी, और उसकी वजह से जो उसकी सोच है वो फिर एक तरह से एक पैसे पर दिए हुए कॉन्ट्रैक्ट की तरह, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर की तरह हो जाएगी, ना कि एक व्यक्ति जिसके के जीवन का ध्येय और उद्देश्य ही सैनिक होना है, एक अच्छा सैनिक होना है।
ये तो है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया, मैं काम कर रहा हूँ, आप मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, मैं जा रहा हूँ भाई, मेरा तो ये फिर मेरा उद्देश्य नहीं है कि मेरा ये जीवन का उद्देश्य है कि मैं एक अच्छा सैनिक बनूँ और इस देश के लिए जो एक सैनिक की रिक्वायरमेंट है मैं वो पूरी करूँ। फिर मेरा ये है कि भाई मेरा बेसिक टिक मार्क है कि मेरे को 4 साल करने हैं, कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट के पैसे मिलेंगे, मैं घर जाऊँगा। ठेके पर आपने दी हुई है नौकरी, जैसे ठेके पर सरकारी नौकरी बिहार ने, जैसे बिहार में टीचर्स को दी हुई थी या बहुत जगह पर और भी स्टेट्स ने इस तरह से छोटी छोटी कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरियां दी थी जो कि बाद में बड़ी प्रॉब्लम का कारण बनी। इसमें इस अग्निपथ में एक और बात कही गई है कि जो भर्तियां होंगी वो ऑल इंडिया लेवल पर होंगी, राज्य स्तर को वरीयता नहीं दी जाएगी, तो इसकी क्या खामियां आपको दिखती हैं? देखिए, इसमें खामी का सवाल, खामी ये कि अगर पूरे अखिल भारतीय स्तर पे की जाएगी तो आपकी जो सेना अब तक जिस तरह से बनी हुई थी, जिस तरह से हमेशा भारतीय सेना रही है, उसका ये आमूल चूल परिवर्तन है उसके अंदर। भारतीय सेना करीब 250-350 सालों से एक तरह से, जैसे कि आपको पता है, चाहे वो जाट रेजिमेंट हो, सिख रेजिमेंट हो, गोरखा रेजिमेंट हो, कुमायूं रेजिमेंट हो, राजपूत रेजिमेंट हो, सिख वगैरह वगैरह, ये सारी रेजिमेंट्स एक पर्टिकुलर जिसको कि आप क्लास बोलते हैं, पर असेंशली वो जाति के तौर पर और या किसी वर्ग विशेष के लिए बनाई गई हैं। और अब आप कह रहे हैं कि इन सेनाओं, इन इन रेजिमेंट्स के अंदर लोग कहीं से भी, किसी भी जगह से आ सकते हैं। समझने वाली बात यह है कि अब आप ये कह रहे हैं कि गोरखा रेजिमेंट के अंदर एक व्यक्ति जम्मू का डोगरा हो सकता है, दूसरा व्यक्ति राजस्थान का जाट हो सकता है, तीसरा व्यक्ति उत्तर प्रदेश का गुजर हो सकता है, चौथा व्यक्ति तमिलनाडु से और पांचवां व्यक्ति केरला से हो सकता है। कहने के लिए एक बहुत अच्छी बात है और जरूरी है कि साहब भारतीय सेना बड़ी प्रोफेशनल आइडेंटिटी से ऑपरेट करे और हर इंडिविजुअल की प्रोफेशनल आइडेंटिटी हो, पर क्या आप उस इसके साथ साथ जो आपने ये स्कीम अनाउंस की है, क्या आप भारतीय सेना में वो तब्दीलियां ला रहे हैं जिससे कि भारतीय सेना जिस तरह से पिछले 250-350 सालों से काम करते आई है वैसे काम नहीं करेगी? क्योंकि उसके लिए जो लीडरशिप स्ट्रक्चर है, जो जिस तरह से नेतृत्व होना चाहिए, जिस तरह से उसका मैनेजमेंट होना चाहिए, जिस तरह से आपकी ऑपरेटिंग फिलॉसफी होनी चाहिए, जिस तरह की वैल्यूज होनी चाहिए, ये किस तरह से आप इन चीज़ों को चेंज कर रहे हैं? अभी तक मैंने तो कहीं नहीं सुना कि कोई इस पर स्टडी हुई है या कोई वाइट पेपर निकला है या कोई और इस तरह की कार्रवाई की गई है या इस तरह की रिसर्च की गई है जिसके बेसिस पर आप बाकी चीज़ों को भी बदल रहे हैं। अगर आप बाकी चीज़ों को नहीं बदल रहे हैं और सिर्फ एक चीज़ को बदल रहे हैं और फिर आप ये उम्मीद करते हैं कि भारतीय सेना बहुत महान ऑर्गेनाइजेशन है और वो अपने आप कुछ ना कुछ होके फिक्स कर लेगा, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ी ज़्यादती है भारतीय सेना के साथ और जो भारतीय सेना को में जुड़ना चाहते हैं जो भारतीय युवक उनके साथ। एक बात और भी कही जा रही है कि जिस तरह से हमारी संस्थाएं बर्बाद हो रही हैं भारत में, उस तरह से अगर सारा हक केंद्र सरकार को मिल जाता है भर्ती करने के लिए तो इसके बहुत नकारात्मक असर भी देखने को मिलेंगे, इसे आप कैसे बताएंगे? देखिए, भर्ती तो राष्ट्रीय स्तर पर ही होती है क्योंकि सेना तो एक राष्ट्रीय इंस्टीट्यूशन है, संस्थान है, वो तो राज्य स्तर का संस्थान नहीं है। पर जो जिसकी बात आप कर रहे हैं फेडरलिज्म की और जिस तरह से भारत में आज़ादी के बाद ये सुनिश्चित किया गया, पर्टिकुलरली 1962 के बाद, कि भारतीय सेना ऐसा ना हो कि जैसा कि पाकिस्तान के अंदर हुआ कि वो बिल्कुल एक ही प्रोविंस से सारी सेना पंजाब से आ रही थी, ना कि बंगाल से या बलूचिस्तान से, उसकी वजह से आपको पता है कि ईस्ट पाकिस्तान का निर्माण होता है क्योंकि लोगों में नाराज़गी होती है। तो भारत ने उसके लिए, जो आपने पहले कहा कि राज्यवार कुछ नंबर दिए गए जिसको कि RMP कहा जाता है, रिक्रूटेबल मेल पॉपुलेशन, उसके बेसिस पर हर राज्य में से लोगों को लिया जाता है जिससे कि ऐसा ना हो कि कुछ ही राज्यों से लोग सेना के अंदर भर्ती होने लगे। अब जो स्कीम आ रही है जिसको कि ऑल इंडिया ऑल क्लास कह रहे हैं, उसमें ऐसा होने की पूरी संभावना है कि कुछ ही प्रदेशों से, जहां से कि सेना में लोग पहले भी भर्ती होते रहे हैं, मान लीजिए जैसे कि हरियाणा हो गया, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ये उन्हीं क्षेत्रों से लोग ज्यादा आएंगे और बाकी क्षेत्रों से बिल्कुल भी नहीं आएंगे, क्योंकि वो जो राज्यवार कोटा था, वो जो राज्यवार इमेजिनेशन था या जो लिमिट दी गई थी, टारगेट्स दिए गए थे, वो राज्यवार टारगेट्स RMP के ऊपर जो बेसिस पे थे वो टारगेट्स अब हटा लिए गए हैं। तो उससे जो भारत का फेडरल स्ट्रक्चर है जो, और जो सेना के अंदर एक तरह का बैलेंस है, इम्बैलेंस नहीं क्रिएट हो रहा है, उस इम्बैलेंस को अब शायद रोक पाना
थोड़ा मुश्किल होगा। देखिए ऐसी चीजें, ऐसा नहीं होता है कि अगले 6 महीने या 2 महीने में हो जाएंगी, इन चीजों को देखने में वक्त लगता है, इन चीजों को देखने में 15 साल, 10 साल, 20 साल लगते हैं। पर जब ये चीजें इस तरह से होती हैं, इनका असर बहुत दूरगामी और बहुत खतरनाक होता है। पाकिस्तान में भी, बांग्लादेश 1971 में बना, पाकिस्तान 1947 में बना, 24 साल का वक्त लगा। तो चीजें वक्त के साथ होती हैं, पर बात यह है कि आपको सीखना चाहिए और समझना चाहिए बाकी मुल्कों से, बाकी देशों से जहां पर इस तरह के डिसीजंस नहीं लिए गए, और भारत ने सही डिसीजंस लिए, और उन डिसीजंस को रिवर्स करने से पहले उनके दूरगामी परिणामों को समझने की जरूरत है। एक बात कही जाती है कि नाम, नमक और निशान की, आपने अपने लेख में भी इसका जिक्र किया था, तो ये बहुत अमूर्त सी बात है जिसका आप जिक्र करते हैं, इसके थोड़ा सा बताएंगे यह पहलू क्या है? देखिए नाम, जैसा कि मैंने कहा कि भारतीय सेना में जो पिछले 250-350 सालों में पिछले जो भर्ती हुई है वो इस तरह से होती थी कि आप मान लीजिए अपने गांव से आ रहे हैं और आप अपने गांव के और अपने ही वर्ग विशेष, अपनी ही जाति के लोगों के साथ नौकरी कर रहे हैं। मतलब उदाहरण के तौर पर कि आप हरियाणा के जाट हैं और आप रेवाड़ी के इलाके से आ रहे हैं और आप एक फला फला जाट रेजिमेंट में या फला रेजिमेंट के अंदर आप नौकरी कर रहे हैं, तो आपकी जो आइडेंटिटी है वो एक सोशल आइडेंटिटी भी है, एक सोल्जर की, प्रोफेशनल सोल्जर की आइडेंटिटी के साथ साथ। उसका अर्थ ये है कि आपको ये लगता है कि अगर मैं अच्छा बिहेव नहीं करूँगा, अच्छा परफॉर्म नहीं करूँगा, अगर मैं अच्छी तरह से काम नहीं करूँगा, तो मेरी जाति के अंदर, मेरे गाँव के अंदर, मेरे वर्ग के अंदर मेरी इज्जत कम हो जाएगी, तो आपका नाम खराब हो जाएगा। आपका नाम कहाँ खराब हो जाएगा? अगर आपका दूसरा सैनिक तमिलनाडु से है और आप हरियाणा से है, तो आपका नाम नहीं खराब होगा, आपका उससे कोई लेना देना नहीं है। पर अगर आपके बाकी सैनिक आपकी ही जाति के, आपके ही गांव के, कोई आपका चाचा दूर का, कोई आपका भतीजा दूर का, कोई आपका मामा दूर का रिश्तेदार है, तो आपका नाम खराब हो जाएगा। तो आप अपने नाम के लिए नौकरी करते हैं, अपनी इज्जत के लिए नौकरी करते हैं, अपनी सामाजिक इज्जत के लिए नौकरी करते हैं। वो अर्थ है नाम का, उसको जिसको कि अब ये बदल रहे हैं ऑल इंडिया ऑल क्लास रिक्रूटमेंट करके, जब आप इस तरह के सिस्टम को कमजोर कर रहे हैं। नमक का जो बात है, वो नमक ये है कि आपको पता ही है, जैसे कि हिंदी साहित्य में भी कहा गया है, बाकी जगह भी कहा गया है, नमक का अर्थ सीधे सीधे सैलरी से है, क्योंकि जो ग्रीक वर्ड सैलरी भी नमक से ही आता है, तो वो की कहानी है नमक का दरोगा, नमक का दरोगा। तो वो नमक का अर्थ यह है कि उस टाइम पर हम ब्रितानी सरकार नमक देती थी, अब भारत की सरकार नमक देती है, तो आपकी एक तरह से लॉयल्टी है नमक के लिए कि नमक का हक अदा करेंगे आप, जिसको क्या कहते हैं, नमक का हक अदा करने वाली बात है, तो इसलिए आप सरकार के लिए काम करेंगे। पहले आप ब्रितानी सरकार के लिए काम करते थे, वो दूसरी जगह जाके लड़ते थे यूरोप में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी के खिलाफ वगैरह वगैरह। निशान है कि एक आपका रेजिमेंटल आइडेंटिटी है, आपकी एक रेजिमेंटल प्राइड है। जैसे मान लीजिए बहुत सारी पुरानी रेजिमेंट्स हैं, कोई असाई में लड़ी है, कोई चीन में लड़ी है, कोई इजिप्ट में लड़ी है, वो सेना, वो रेजिमेंट का जो निशान है, उस निशान के लिए, निशान का मतलब ध्वज है यहाँ पे, उस ध्वज के लिए, उस निशान के पीछे आप खड़े होकर लड़ रहे हैं, अपनी पलटन के लिए, अपनी रेजिमेंट के लिए, अपनी बटालियन के लिए। तो नाम, नमक, निशान का मतलब ये है भारतीय सेना के अंदर। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया कि जब इससे 4 साल के बाद लोग निकलेंगे तो उन्हें पुलिस में वरीयता दी जाएगी, इस ट्वीट को आप कैसे देखते हैं, मतलब ये बात को? देखिए आदित्यनाथ जी भाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और शायद उनको लगता है कि पुलिस और सेना एक तरह से शायद सेम ही काम करती हैं, ऐसी बहुत लोगों को गलत फहमी है, जबकि ऐसा कदाचित नहीं है। भारतीय सेना का कार्य आपको पता है देश के दुश्मनों के खिलाफ, विदेशी ताकतों के खिलाफ करना है। पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और अपने ही लोगों के बीच में काम करना है। पुलिस का काम दुश्मनों को गोली मारना नहीं है। पुलिस का काम कानून के जरिए, कोर्ट्स के जरिए इन्वेस्टिगेशन करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, ये दोनों बिल्कुल अलग काम है, बिल्कुल विभिन्न काम है। भारतीय सेना में काम करने के पश्चात क्या आप पुलिस में काम करने के लिए ज्यादा सक्षम या बेहतर होते हैं? कदाचित नहीं, ऐसा नहीं है, कदापि नहीं, आप ऐसा बिल्कुल नहीं होते हैं, आप ज्यादा सक्षम नहीं होते हैं। मेरा बल्कि मानना यह है कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पुलिस और ज्यादा मिलिटराइज होती जा रही है, जबकि पुलिस को और ज्यादा सिविलनाइज होने की जरूरत है, सिविल सोसाइटी के साथ काम करने की जरूरत है, जैसा कि बाकी मॉडर्न डेमोक्रेसीज के अंदर होता है और कोशिश होती है। पुलिस आपको पता है, जैसे अगर आप ब्रिटेन गए हो तो पुलिस हथियार नहीं कैरी करती है,
क्योंकि पुलिस को हथियार कैरी करने से समाज में गलत असर पड़ता है। पुलिस का काम हथियार कैरी करना नहीं है, पर हमारे यहाँ उसकी जगह उल्टा प्रेफरेंस चल रहा है। अब तो खास तौर पर जिस तरह से बुलडोजर वगैरह का गलत उपयोग किया जा रहा है सरकार के द्वारा, उसी तरह उनको लगता है कि शायद पुलिस को भी सेना की छवि में बदल देना चाहिए। मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। पुलिस के लिए एक अलग प्रकार का एक्सपीरियंस, अलग प्रकार की ट्रेनिंग, अलग प्रकार की थिंकिंग चाहिए, और उस थिंकिंग को सेना के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हर पहलू पे बहुत ही विस्तृत तरीके से हमें समझाने के लिए शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आप मुझे बुलाने के लिए और मुझे समय देने के लिए। धन्यवाद। आप देख रहे थे न्यूज क्लिक। अगर आपको हमारे वीडियो ठीक लगते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे जाकर हमारी खबरों को पढ़ सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, हमारे ट्विटर पेज को लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया। आप देखते रहिए न्यूज क्लिक।